सच दिखाने वालों को आज दबाया जा रहा है। बिल्कुल जंगल राज आ चुका है बिहार में। जब से तेजस्वी यादव का सरकार बना है तब से जितने भी सच दिखाने वाले लोग हैं इन लोगों को दबाया जा रहा है और जेल भेजा जा रहा है। जिस प्रकार यहां देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर युवाओं के द्वारा मनीष कश्यप को जेल से छुड़वाने को लेकर युवा लोग जो यहां प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? देखने में लग रहा है कि अब जंगल राज जो है समाप्त हो जाएगा, युवाओं का राज होगा, भ्रष्टाचारियों का समाप्ति हो जाएगा। ऐसे लोगों को समाज में जरूरत है। मनीष कश्यप जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी का विरोध शुरू हो गया है। मनीष कश्यप के आंसू पर बिहार में बवाल उठ चुका है। बिहार के मोतिहारी में मनीष कश्यप की गिरफ्तारी से युवा भड़क उठे और भड़के युवा सड़कों पर आ चुके हैं। नीतीश तेजस्वी के खिलाफ जमकर हल्ला बोल रहे हैं, मनीष कश्यप की रिहाई की मांग कर रहे हैं। मनीष कश्यप के समर्थकों में बिहार सरकार के प्रति काफी उबाल है और इसी उबाल को लेकर के मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में सैकड़ों समर्थक सड़क पर उतर आए, आगजनी की और सड़क को घंटों जाम किया। आक्रोशित लोगों ने एक ओर जहां मनीष को रिहा करने और उसके पक्ष में नारे लगाए, वहीं तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध में मुर्दाबाद के नारे लगाए। मनीष कश्यप जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, कश्यप जिंदाबाद, कश्यप जिंदाबाद, वही सड़क जाम कर रहे युवकों ने कहा कि मनीष कश्यप सच दिखाता है, ये सरकार सुशासन की नहीं बल्कि यहाँ जंगल राज है, ये सरकार कुशासन की सरकार है। समर्थकों का कहना था कि सच दिखाने वाले को जेल में बंद किया जा रहा है, ये जंगल राज का प्रमाण है, मनीष कश्यप को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। युवकों ने नीतीश सरकार मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शन है, उस पर क्या कहिएगा? प्रदर्शन के बारे में कहना चाहते हैं, यहाँ पे जितने भी युवा पीढ़ी के लोग जुड़े हुए हैं, मनीष कश्यप को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। सच दिखाने वालों को आज दबाया जा रहा है। बिल्कुल जंगल राज आ चुका है बिहार में। जब से तेजस्वी यादव का सरकार बना है तब से जितने भी सच दिखाने वाले लोग हैं इन लोगों को दबाया जा रहा है और जेल भेजा जा रहा है। मनीष कश्यप जिंदाबाद। हम यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द मनीष कश्यप को बाहर निकाला जाए और सच दिखाने वालों को दबाया नहीं जाए। देखने में लग रहा है कि अब जंगल राज जो है समाप्त हो जाएगा, युवाओं का राज होगा, भ्रष्टाचारियों का समाप्ति हो जाएगा। ऐसे लोगों को समाज में जरूरत है। ऐसे जो लोग कर रहे हैं इन लोगों को सपोर्ट में हम लोगों को भी आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए। कल आज मनीष कश्यप आया है, कल हमारी बारी हो सकती है, परसों आपकी बारी भी हो सकती है। क्यों कहे तो सुशासन के नाम पर कुशासन का कुथित रूप दिखता है। सत्ता के दबाव में न्यायाधीश अब फैसले लिखता है, किसे कहानियों में बचे रह गया है पंच परमेश्वर, वास्तव में न्याय के दरबार में सच बिकता है। मनीष कश्यप भाई के समर्थक हैं जी, और सच का साथ हम लोग देना चाहते हैं और देंगे जी। इसलिए हम लोग यहाँ पे आके जो प्रदर्शन और रोड जाम किए हैं मनीष कश्यप भाई को रिहा करने के लिए। सरकार से क्या मांग करते हैं? मनीष कश्यप भाई को रिहा करो। बता दें कि मनीष कश्यप को पश्चिम चंपारण से गिरफ्तार करने के बाद शनिवार को आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू पटना लेकर के आ गई थी। यहां उसे पूछताछ करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से मनीष को 22 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि जल्द तमिलनाडु पुलिस भी उसको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। फिलहाल मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद से मनीष कश्यप के समर्थकों में भारी उबाल है, जिसका परिणाम जगह जगह बिहार में देखने को मिल रहा है। मनीष कश्यप के गिरफ्तारी के विरोध में फिलहाल बिहार में युवाओं का विरोध शुरू हो चुका है। मोतिहारी से सचिन पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।